नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट स्टडीज हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑलरेडी हम इसकी 16 वीडियो बना चुके हैं, ये है वीडियो नंबर 17। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इसमें। तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन के हैं, इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, ये स्टोर होती है एज डिजिटल डाटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, अगस्ता एडा बायरन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इन टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ, तो ये फंक्शन किस चीज का है, आउटपुट इंटरफेस का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ डाटा इन साइड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे हम कहते हैं इज रेफर्ड एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑफ डाटा। नेक्स्ट, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज, तो उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये इस तरह का रजिस्टर है जो क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जो लोकेशन है उसकी जहाँ से या फिर जहाँ को जो हमारा डाटा है वो ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या है, माइक्रो कोड। नेक्स्ट, OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रिंटर यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूजेस ड्राइंग पाउडर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पोर्ट, तो ऑप्शन डी AGP सीरियल पैरेलल, ये सभी क्या है, पोर्ट्स के टाइप है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, तो एक जो गीगाबाइट है, 1 GB जिसे हम कहते हैं, वो कितने के बराबर होता है, ये होता है 1024 मेगाबाइट के इक्वल। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड बाय, तो ये अफेक्ट किससे होती है, एक्सेस स्पीड और आपकी डेटा ट्रांसफर यूनिट से, तो ऑप्शन डी बोथ करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज, सेमी कंडक्टर मेमोरी को हम यूज़ नहीं करते एज ए सेकेंडरी स्टोरेज, बाकी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप इन्हें यूज़ करते हैं एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन CD-ROM, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें। नेक्स्ट, विच नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज एज ए शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप्स ऑफ फोर बाइनरी वर्ड्स, तो ये आपके पास कौन सा नंबर सिस्टम है, ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर दोज नंबर विच इंक्लूड, तो इसमें आपके पास क्या होता है, डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट्स और इंटीजर वैल्यू, सभी होती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। BCD कोड इज ए, तो ये क्या है, बाइनरी कोड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, 68, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज टू अपडेट ऑल डिवाइस ड्राइवर एट वन टाइम, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, वो क्या आपके पास, विंडोज अपडेट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 71 क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज एज, तो इसे कैटेगराइज किस में कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी लिमिटेशन है हाई लेवल लैंग्वेज की, इसमें क्या होती है, लो एफिशिएंसी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका।
नेक्स्ट, फोर्टेन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन डी जॉन डब्ल्यू बेकर्स एंड अदर। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? तो ये है आपकी जावा और विजुअल बेसिक। तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर चेक्स द सिंटैटिक एरर इन प्रोग्राम, तो कौन सा सॉफ्टवेयर चेक करता है इसको? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही करते हैं, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। 76, विच ऑफ द फ्लोइंग लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द फाइल इन टू मेमोरी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी एब्सोल्यूट लोडर। तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? लोडिंग फाइल इन टू द मेमोरी, मेमोरी में फाइल को लोड करने के लिए। नेक्स्ट, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे और क्या कहते हैं? प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सर्व्स एज सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्डवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, सर्व करता है सॉफ्टवेयर की तरह यूजर और हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट 79, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका, बूट नहीं होगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो। 80 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए यूजर इंटरफेस। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऑफर बता दूं जो हमारे चैनल पे फिलहाल चल रहा है। तो जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, प्रीवियस पेपर जो भी पूछे गए हैं, तो उसके आपको पीडीएफ मिल सकती है सिर्फ 100 रुपीज़ में। और साथ साथ हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी है 199 रुपीज़ में, जिसमें टोटल 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 10 टेस्ट सीरीज में वो रहेंगे 1700। और इन केस अगर आप हिमाचल जी की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आपको एमसीक्यू चाहिए जो भी लेटेस्ट और प्रीवियस पूछे गए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे 1400+ एमसीक्यू। हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है हमने, तो वो भी आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे पास एक और भी ऑफर है जिसमें हमने एक कॉम्बो पैक बनाया है सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये जो कॉम्बो पैक है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है जो भी जुआ की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कॉम्बो पैक में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही साथ हिमाचल जी की मिलेगा, और साथ ही साथ जो प्रीवियस एमसीक्यूज है कंप्यूटर के वो भी आपको सभी इस पैकेज में दिए जाएंगे। और ये रहेंगे सिर्फ 250 रुपीज़ में, ये कॉम्बो पैक रहेगा। और अभी थोड़े ही दिन में, 2 या 3 दिन में हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट भी आ रहा है प्रीवियस एमसीक्यूज का, तो जो भी इस कॉम्बो पैक लगा उसे 50% कॉस्ट में वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ रहती है तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। अगर आप तैयारी कर रहे हो जुआ की, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ज़रूर परचेज करें, आपकी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको ये लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9882547254, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको सोलो सोलो चाहिए, HP GK चाहिए, आप किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो HP GK मिल जाएगा। अगर तो प्रीवियस MCQ चाहिए कंप्यूटर के, तो वो भी मिल जाएंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए अकेले, तो वो भी मिल जाएगी। अगर कॉम्बो पैक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप लेना चाहते हो तो कॉम्बो पैक ले, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, HP GK भी, टेस्ट सीरीज भी, प्रीवियस MCQs भी, और जो इंडियन हिस्ट्री पार्ट हमारा आएगा वो भी आपको 50% कॉस्ट में ही दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 के हैं, विच द फ्लोइंग एज ए सर्विस नॉट सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से कौन सी सर्विस है जो सपोर्ट नहीं होती ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? तो ये है कंपाइलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 82, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो
इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, आर इज इट टू डेवलप देन सिंगल प्रोग्राम सिस्टम, एग्जीक्यूट ईच अदर ईच जॉब फास्टर और एग्जीक्यूट मोर जॉब्स एट सेम टाइम। तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूट मोर जॉब एट सेम टाइम, सेम टाइम पे आप बहुत सारी काम कर सकते हो मल्टी प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज, तो ये कौन सा आपका, ये है विंडोज़ जो वाइडली यूज होता है। नेक्स्ट, इन एम एस विंडो विच मेनू इज सेलेक्ट टू कट कॉपी और पेस्ट, कब कॉपी और पेस्ट आपको करना है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा एडिट। नेक्स्ट, अ फाइल दैट हैज़ स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच टू इट दैट विल ओपन व्हेन द फाइल इज ओपन, तो उसे हम क्या कहते हैं, 85 का ऑप्शन सी एसोसिएटेड फाइल, करेक्ट आंसर्स का, ये इस तरह की फाइल होती है जो जिसमें क्या होता है आपके पास, तो इसमें आपके पास क्या होता है, एक स्पेशल स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो इसके साथ अटैच होता है, जो अटैच होता है इसके साथ, जो क्या करता है फाइल को ओपन करता है। तो जब भी आपकी फाइल ओपन होगी तो ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एम एस वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर ऑन ए पेज इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉन्ट, जिस फॉर्म में वो अपीयर होते हैं। नेक्स्ट, वट ऑप्शन इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू स्टैंड आउट अ वर्ड, तो ये आपके पास है ऑप्शन सी बोल्ड। नेक्स्ट, इन एम एस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 times सेलेक्ट, अगर आप एम एस वर्ड में F8 को 3 बार प्रेस करते हो तो क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये क्या करता है सेंटेंस को सेलेक्ट करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सो थैंक यू सो मच। अगर आप परचेज करना चाहते हो हमारा कॉम्बो पैक तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। बाकी जानकारी आपको अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।